अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमने कीमत फाइंड करना है। हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 17 स्क्वायर रूट। ए बी की कीमत फाइंड करनी है, तो ए बी की कीमत फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है, 4ab वो बराबर होता है ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी स्क्वेयर। तो इस रूल के तहत हम ए बी की कीमत फाइंड करेंगे। ए प्लस बी वो हमारे पास है 5, तो ये ऊपर जजर है, तो हम इसके स्क्वायर है, हम स्क्वायर डालेंगे माइनस ए माइनस बी की कीमत 17 का जजर है, 17 का जजर और सारे का ये ऊपर स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25 और माइनस ये 17 के ऊपर जजर और फिर सारे का स्क्वायर, ये जजर और स्क्वायर ख़त्म हो गए, बाकी हमारे पास है 17 रहेगी। अब 4ab की कीमत ये 25 में से ये 17 माइनस करेंगे, 15 में से 7, 8, यहाँ पर 1 रहेगी। अब ए बी ये 4 ये जायद है, तो ये 4 जायद है, इसको हमने फिनिश करना है। 5 ये 8 है, यहाँ पर 1 से 1, ये 25 से 17 माइनस किया तो 8 आ गया। अच्छा, हमने ए बी की कीमत फाइंड करना है, क्योंकि ये 4 जायद है, लिहाजा ये 4 जो है वो ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, तो उसको तरफैन से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो 1/4 आ गया। उसको इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 से 4 ख़त्म हो गया और ए बी वो हमारे पास आ गया 4 × 8, वो 2 आंसर आ गया, लिहाजा ए बी की कीमत 2 आ गई, ये हमारा मतलूबा आंसर है।